काफी सारे दोस्तों को एक मसला आता होगा टाइमर के रिलेटेड, जो व्हाट्सएप पे ऑप्शन होता है कि काफी लोग जो आपको डेटा भेज रहे होते हैं या फिर जो ग्रुप्स में आपको आ रहा होता है उनमें टाइमर लगे होते हैं, तो उसमें जो पिक्चर्स या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको भेजे जाते हैं वो उस टाइमर के टाइम के बाद डिलीट हो जाते हैं ऑटो पे और आपके पास सेव नहीं रहते। अभी फोटोज का तो हल होता है, उसको आप क्लिक करके उसको सेव कर सकते हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिस तरह कोई पीडीएफ फाइल हो गई तो उनको आप उस तरह सेव नहीं कर सकते। तो उसका आज मैंने आपके लिए एक बेहतरीन हल निकाला है, तो आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि टाइमर होता क्या, जिसको नहीं पता तो यहाँ पे देखें एग्जांपल के लिए मैंने भी एक ग्रुप बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि यू अपडेटेड मैसेज टाइमर, ये मैंने खुद ही किया है, खुद ही मैंने ग्रुप बनाया, इसमें और कोई मेंबर नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ। तो इसमें देखें तो टाइमर लगा हुआ है, 24 आवर के बाद हर चीज डिलीट हो जाती है। यहाँ पे फर्ज करें अगर मैं कोई एक चीज ऐड करता हूँ, फर्ज करें मैं यही दे देता हूँ, ये एक पिक्चर में दे देता हूँ, इसमें मैंने अभी सेंड किया है, तो इसको अभी जो है ना, ये एक पिक्चर है, पिक्चर को अगर आप नॉर्मली सेव करना चाहते हैं तो उसका हल तो बेहतरीन ये है कि सबसे पहले आप इसको ओपन करें, ऊपर थ्री डॉट पे आए, थ्री डॉट पे आने के बाद आप इसको जस्ट सेव कर लें। जब आप सेव कर लेंगे तो इसके टाइमर के टाइमर से जब ये डिलीट हो जाएगी फिर भी आपके पास ये महफूज रहेगी। और अगर आपके आपने कोई डॉक्यूमेंट भेजा है, जिस तरह की मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी आपको भेज के दिखा देता हूँ, फिर उसको सेव करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी उठा लेता हूँ, ये मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया, इसको मैंने इधर सेंड कर दिया, अभी लोड हो रहा है, ये सेंड हो रहा है। तो अभी ये जब सेंड हो गया तो उसका भी किस तरह सेव करना है, उसको तो मैंने यहाँ से क्लिक करके थ्री डॉट का ऑप्शन आ गया तो सेव का, लेकिन इसको अगर आप करेंगे तो इसको डायरेक्टली ओपन का ऑप्शन आ जाता है, डायरेक्टली सेव का ऑप्शन नहीं आता। तो इसका एक और हल है, वो क्या है तो वो अभी देखें। इसको आपने करना ही है कि आप इसको सिलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद आप फॉरवर्ड करें, आप ये ना समझे किसी और को आपने फॉरवर्ड करना है, हल बता रहा हूँ। फॉरवर्ड करेंगे तो आपको अपना ऑप्शन एक मिलेगा अपने नंबर पे, अभी देखें तो यहाँ पे आपको मी का ऑप्शन एक आ रहा होगा, या फिर आप सर्च भी कर लें, ये देखें यू मी मैंने सर्च किया तो अदर कॉन्टेक्ट्स में आ रहा है मैसेज यूर सेल्फ, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, जस्ट नेक्स्ट करूंगा तभी मुझे ये डॉक्यूमेंट आ गया, तो मैं खुद ही था तो डायरेक्ट दोनों टिक्स भी लग गए हैं कि अब ये व्यू हो गया है। तो इस तरह भी जो होगा ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास सिक्योर हो जाएगा। कोई भी इस तरह से आपको डॉक्यूमेंट भेजता है, आप अपने यूर सेल्फ मैसेज यूर सेल्फ या फिर यू का जो ऑप्शन आ रहा होता है अपने नंबर पे आप खुद सेंड करेंगे तो आपको जो ये प्रॉब्लम है वो फेस नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको ये वाला मेथड पसंद आया होगा, अगर किसी को नहीं पता था तो वो जान ले, अगर किसी को पता था तो वो भी ठीक है, उसको इल्म में थोड़ा सा और इजाफा हो गया अगर कोई फायदा हो गया हो। तो उम्मीद है मैसेज आपको समझ आ गया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।